पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हैं एक सोच के खिलाफ। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने कहा कि विपक्ष के लोग जानवर। सच्चाई है कि आज हर व्यक्ति हिंदुस्तान में सरकार के विपक्ष में खड़ा है। जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, किसानों के खिलाफ इस सरकार की अप्रोच है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और देश इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में हिंसा फैलाने का काम, घृणा फैलाने का काम करे। और हम इस विचारधारा के खिलाफ यहां खड़े हैं। आप एक दिन और जो आपको मीडिया को दबाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, आप उस साइड खड़े हो, मगर सचमुच में आप भी हमारे साइड इस साइड खड़े हो, क्योंकि हम आपकी भी रक्षा कर रहे हैं, ये भी आप मत भूलो। और आप मुस्कुरा रहे हो, मैं जानता हूं, मगर हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के जो दिल में हो, जो वो बोलना चाहे, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उसकी हम यहाँ रक्षा कर रहे हैं। देश में जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो बीजेपी की विचारधारा के कारण किया गया है। बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने की है, दलितों को कुचलने की है, आदिवासियों को कुचलने की है, माइनॉरिटीज को कुचलने की है। तो उसके खिलाफ, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। और हम आज नहीं खड़े हैं, हम पूरी जिंदगी भर खड़े रहेंगे। और इनको हम 2019 में हरा के दिखाएंगे। बीजेपी के दलित एमपी मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, पार्लियामेंट में आप उनसे बात करें, वो हमें भी बताते हैं कि मोदी जी कास्टलिस्ट व्यक्ति हैं, मोदी जी एंटी दलित व्यक्ति हैं, मोदी जी के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, वो पूरा देश जानता है, ये कोई सीक्रेट नहीं। तो ये तो क्लियर है। धन्यवाद।